हेलो फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको पेन टूल के विषय में बताया था कि पेन टूल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि फोटोशॉप में जिस तरीके से पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। और पेन टूल में आप एड वर्टेक्स कर सकते हैं, डिलीट वर्टेक्स कर सकते हैं, और कन्वर्ट वर्टेक्स टूल है एक, और एक मास्क फेदर टूल है। मास्क फेदर टूल मैंने आपको बताया था मास्क को फेदर करते हैं तो कैसे करते हैं ताकि एज सॉफ्ट हो जाती है। कन्वर्ट वर्टेक्स टूल जो है आपका वर्टिसेस को कन्वर्ट कर देता है बेजियर में। इस टूल से आप वर्टेक्स को डिलीट कर सकते हैं, इससे ऐड कर सकते हैं, और ये तो है ही आपका पेन टूल जिससे आप पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये तीन पिक्चर्स ली थी और इन पिक्चर्स को हमने क्रॉप किया था। अपने इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बेसिक शेप्स या शेप्स एनिमेशन यूज़ करेंगे, कुछ शेप्स के मास्किंग यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे मास्किंग यूज़ होती है। सबसे पहले हम एक पिक्चर लेते हैं और उसको कॉम्प पे डालते हैं। तो ये कॉम्प उसी साइज़ की बन जाती है जिस साइज़ की पिक्चर आपकी पिक्चर होती है। अब हम इस पर कुछ पाथ अप्लाई करेंगे या कुछ मास्क अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक सॉलिड सेलेक्ट कीजिए, आप तो इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं और इसको मेक कॉम्प साइज कर देंगे तो ये उसी कॉम्प साइज़ के अकॉर्डिंग बन जाएगा जिस कॉम्प पे आप वर्क कर रहे हैं। ओके कर दीजिए। अब आप फोटोशॉप पे जाइए। अब फोटोशॉप में आप एक बेसिक शेप्स को क्रिएट कीजिए। कस्टम शेप्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ शेप्स होंगी, उन शेप्स में से आप जो भी शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं उनसे उस शेप को सेलेक्ट कीजिए और सिंपल उसको क्रिएट कर लीजिए जैसे ये। अब आप शेप सिलेक्शन टूल से इसको शेप सेलेक्ट कीजिए और सिंपल एडिट में जाके कॉपी और वापस अपने उस पर आएंगे और उस पर पेस्ट। तो ये देखिए वहाँ जो हमने पाथ को क्रिएट किया था वो यहीं पे, यहाँ पे पाथ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि आप जिस तरह के एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह के आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज में ले लेते हैं। अगर आप इसकी मल्टीपल कॉपी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ हम चाहते हैं कि ये जो मास्क हम लेके आए हैं, ये मास्क जो है इस पे मूव करे और ये पिक्चर जो है इसमें शो करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हमने बेसिक शेप्स ले ली है। मैंने आपको मोड्स के विषय में बताया था और कुछ मोड्स मैंने इसमें छोड़ दिए थे, तो आज हम उन्हीं पे ही वर्क करेंगे। जब आप बॉटम में जाते हैं तो आपके पास स्टेंसिल अल्फ़ा, स्टेंसिल ल्यूमा, सेलाउट अल्फ़ा एंड सेल्यूट ल्यूमा। देखिए जब आप स्टेंसिल अल्फ़ा पे करते हैं ध्यान रखिएगा नीचे एक इमेज होनी चाहिए और उसका मोड नॉर्मल होना चाहिए। आप ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट कीजिए जिस पे आपने मास्क लिया है। जब आप स्टेंसिल अल्फ़ा करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो आपने बैकड्रॉप में इमेज लिया था उस बैकड्रॉप पे वो आपकी जो आपने जो पाथ लेके आए हैं वो पाथ जो है उस पर एडजस्ट हो जाता है। अब आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। सपोज़ आप अगर इसका पोजीशन छेड़ते हैं और इसका आप मूव कर देते हैं तो ये पूरी पूरी पिक्चर जो है आपकी देखिए।
इसमें बेसिकली जो हम पाथ लेके आए हैं वो पाथ हमने मूव करा दिया है पूरे पूरे कॉम्प इसको, पूरे पिक्चर जिस पे हमने सॉलिड पे लगाया था, तो वो सॉलिड जब मूव कर रहा है तो वो पाथ भी मूव कर रहा है। हम इसमें पाथ भी अलग अलग मूव करा सकते हैं, जैसे जब आप मास्क पे जाते हैं तो मास्क में अलग अलग शेप्स हैं, आप इन शेप्स को सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये भी जो है पूरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब आप एक सिंगल मास्क को मूव कराना चाहते हैं तो वो भी आप मूव करा सकते हैं। ये हमने एक इमेज पे लगाया था, इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी इमेज पे लगाना चाहते हैं तो इसको आप एक कॉम्प में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको हम नाम देते थे पिक वन, नाउ सेलेक्ट अनदर वन, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, अगेन सॉलिड क्रिएट कीजिए, पाथ को पेस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। स्केलिंग के थ्रू बड़ा कर देते हैं। गो ऑन टू लेयर पाथ, एडजस्ट इट, इनको आप डुप्लीकेट कर दीजिए। ओके नाउ अगेन गो ऑन कॉम, इसको आप रोटेशन दे दीजिए। और स्केलिंग कर देते हैं, इसको अगेन हम मूवमेंट दे देते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी हम मोड वही जैसे हमने पिछले उसमें सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जाके आप स्टेंसिल अल्फा कर दीजिए तो वो पिछली वाली जो इमेज है आपकी वो उसके अंदर फिट हो जाएगी। अब हम इसको मूव कर देते हैं, हम यहाँ से मूव कर दीजिए। देखिए इसको भी हम एक कॉम्प में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑप्शन कमांड सी प्रेस करेंगे तो इसको आप प्री कॉम्प में चेंज कर सकते हैं। हमने अभी मास्क को मूव किया है, टोटल मास्क जो है हमने लेयर्स को मूव कर रहे हैं। इसमें आप जो है अलग अलग मास्क को भी मूव कर सकते हैं, अलग अलग पाथ पे अलग अलग पाथ में मूव कर सकते हैं।